जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। मत्ती 19 अध्याय का 21 और 22वें वचन। यीशु ने उनसे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान ये बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। ये जवान जरूर धनी था, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए चाहता था, इसलिए यीशु मसीह के पास आके पूछने लगे। तो परमेश्वर यीशु ने उनसे कहा, तू अपने माल बेचकर कंगालों को दे, फिर मेरे पीछे हो लो। तो यीशु ने इसका कहने का कारण क्या था? उस व्यक्ति इतना धनी था, वो परमेश्वर को जिस जहां में रखना चाहिए था, वो पैसा के लिए और अपने सारे संपत्ति के लिए जगह दे चुका था। यीशु मसीह ने उनकी दिल की बातों को जांच लिया, और जहां पर परमेश्वर को दिल में रखना उस जगह में नहीं दिया। इस व्यक्ति के पास धन दौलत के प्रति ज्यादा मोह माया है, ज्यादा उसके दिल में जगह, इसलिए यीशु उसको जान के कहता है, तू अपने माल को बेच के कंगाल को दे। उसको देने का मन नहीं था, इसलिए दुख से वहां से चला गया। उन दिनों में यहूदियों में पाबंदी था यीशु मसीह से जाके कोई नहीं मिलना। इस जवान के अंदर और अच्छे गुण थे, ये खुलेआम वहां पर आके सबके सामने घुटने टेके और कहता है, ए मेरे गुरु। यीशु ने कहा, ये बचपन से इतना सीधा व्यक्ति है, माँ बाप की बातों को मानते हैं। तो यीशु ने कहा, तू मेरे अनुकरण करो, ये कंगाल को तुम सारे धन दौलत को दो। लेकिन उनको देने के मन नहीं था, उदास होके वहां से निकल गया। आज हमें ये निर्णय लेना है, ये जवान के समान नहीं, पूरे दिल से, सच्चे दिल से यीशु मसीह को ही हम अनुकरण करेंगे। सारी मुसीबतों में, तकलीफ में यीशु मसीह को ही हम अनुकरण करेंगे। जो कोई परमेश्वर के वचन को विश्वास योग्य के साथ अनुकरण करता है, पालन करता है, परमेश्वर उनका साथ रहने के लिए प्रभु का वचन के द्वारा हमें वादा करता है। तो प्रभु के अनुकरण करने वालों को यीशु कभी भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए हमारे जीवन में आज हमें निर्णय लेना है, आराधना में यीशु के लिए प्रथम स्थान, जीवन में यीशु के लिए प्रथम स्थान, सारी बातों में यीशु के लिए प्रथम स्थान। ये प्रकार हमारा जीवन में सब प्रकार के स्थान यीशु के लिए प्रथम स्थान देने से यीशु कभी भी हमें नहीं त्यागेगा, नहीं छोड़ेगा, किसी भी बातों में कमी नहीं रखेगा। हालेलुया, हालेलुया।